रहा है कि जीवन के चार पड़ाव, जीवन के चार उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आखिरी उद्देश्य जीवन का मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष कैसे मिलता है? आपको ये बड़ी गलतफहमी हो सकती है मोक्ष के बारे में कि हिमालय में जाओ तो मोक्ष मिलेगा, साधु संन्यासी हो जाओ तो मोक्ष मिलेगा, घर परिवार छोड़ दो तो मोक्ष मिलेगा। अरे भैया, मोक्ष का रास्ता वेदों में और उपनिषदों में बताया गया कि जो व्यक्ति अपने दुखों को दूर करता है, और दुख माने गए हैं तीन, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, बीमारियां। दैविक दुख माने भगवान का दिया हुआ। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, भौतिक दुख माने गरीबी, भुखमरी। तो जो व्यक्ति अपने दुखों को दूर करता है, फिर दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगता है, मोक्ष उसी को होता है। मोक्ष जाने का एकमात्र रास्ता है। तो आप पहले प्राणायाम सीखो, आपने अपने दुख दूर कर लिए, अब आप दूसरों के दुख दूर करने के काम में लग जाओ तो मोक्ष आपको हो जाएगा। तो मैं इसीलिए आपके पास आया, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे लोकसभा में नहीं जाना, मोक्ष में। बहुत लोग परेशान है लोकसभा में जाने के लिए, विधानसभा में जाने के लिए, मुझे तो मोक्ष जाना है। लोकसभा की सीट नहीं चाहिए, मोक्ष की चाहिए। अब इसका रास्ता तो एक ही है कि मैं पहले मेरे दुख दूर करूं, वो मैंने कर लिए, मुझे अभी कोई दुख नहीं है, ना दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक। शरीर मेरा एकदम स्वस्थ है, आप मेरी नाड़ी नाप देख लो, मेरा बीपी चेक कर लो, मेरी शुगर चेक कर लो, सब सामान्य है, सब अच्छा है, और 20 साल से बीमार नहीं पड़ा हूं, एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं भर्ती हुआ, 20 साल हो गए, और शायद अभी 20 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों संतुलित है मेरे। तो मेरे दुख तो मैंने दूर कर दिए, अब मैं चाहता हूं कि मेरे निमित्त से आपके भी दुख दूर हो जाए, इसलिए छपरा आया। और आपके दुख अगर दूर हो पाए मेरे निमित्त से, तो मेरे मोक्ष की सीट पक्की है, मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये बार बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना बहुत हो गया, अब नहीं करना, ये आखिरी जीवन हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, इसके बाद पैदा ना होना पड़े। तो एक ही रास्ता है, स्वर्ग जाऊं, मोक्ष जाऊं, और वो रास्ता आपके घर से गुजरता है, इसलिए आया आपके पास। मैं मेरे स्वार्थ से आया छपरा, मेरा स्वार्थ है कि मुझे स्वर्ग की सीट चाहिए, और वो तब मिलेगी जब आप स्वस्थ हो जाओ, निमित्त मैं बनूं, स्वस्थ आप हो जाओ। तो आप मेरी बात मान लो, योग प्राणायाम शुरू कर दो, जब आप स्वस्थ हो जाओगे तो मेरी एप्लीकेशन मैं भेज दूंगा भगवान जी के पास, और वो स्वीकृत हो जाएगी। अब मैं मोक्ष पहुंच गया, फिर आप भी आ जाना मेरे पीछे पीछे, आप किसी और को सिखा दो, और वो स्वस्थ हो गया तो आपकी सीट पक्की हो गई मोक्ष, और हम सब स्वर्ग में ही इकट्ठे होंगे, वही मिलेंगे। और सुना है कि स्वर्ग में कुछ काम धाम नहीं होता, तो क्या करेंगे क्या? वहां भी योग कक्षाएं लगाएंगे, सबको प्राणायाम सिखाएंगे। मैंने आपसे मजाक में गंभीर बात की है कि आप सुखी हो जाओ, मैं तो सो गया, आप भी हो जाओ, आप फिर किसी और को सुखी बना दो, बस यही सिलसिला चलता रहे तो सारा भारत सुखी हो जाए। और भारत सुखी हुआ तभी हम ये कह पाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाजः। ये इतनी ऊंची बात सिर्फ भारत कह सकता, मैंने नहीं सुनी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ये उच्चतम शिखर है जब ये कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया माने सब निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माने सबके चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हों, आनंद से भरे हुए हों, मां कश्चित् दुःख भाजः, किसी को कोई दुख ही ना हो।
ये भारत ने कहा सारी दुनिया के सामने, हम तो इसी संस्कृति और इसी सभ्यता के पुजारी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब हम ये चाहते हैं कि जो वेदों में कह दिया गया, उपनिषदों में कह दिया गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जीवन में उतर जाए, ये पुस्तकों तक सीमित ना रहे, व्याख्यानों तक सीमित ना रहे, ये जीवन में उतर जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसी के लिए हमारा ये प्रयास है भारत स्वाभिमान, सर्वे भवन्तु सुखिनः को हर व्यक्ति के जीवन में उतार देना, इसी प्रयास का नाम है भारत स्वाभिमान।